जैसे कि जो फुल नेम है आपका, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पैन कार्ड के आधार पर डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड नंबर, ये सब जरूर दे देना। इनके ही आधार पे आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सेल्फी वाली चीज जो मुझे लगता है आपको बाद में देखने को मिलेगी, शायद मैं वो इमेज नहीं ले पाया हूँ या किसी रीजन की वजह से। इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है कि आप नौकरी पेशा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, फादर्स नेम बताना है, ईमेल आईडी बतानी है और मंथली इनकम बतानी है। ये बताने के साथ ही आपको आगे कंप्लीट करना है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में आप देखोगे प्रोफेशन टाइप, फादर नेम, ईमेल आईडी आ गया, सैलरीड के केस में आता कंपनी नेम और मंथली इनकम वगैरह, ये सब कितनी है, ठीक है। तो आपको डिटेल्स फिल कर देनी है और डिटेल्स फिल करने के बाद मंथली इनकम वगैरह चूज करने के बाद, तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं लोन्स की, तो बाकी सारे लोन एप्लीकेशन से तो हमने लोन लेने के ऊपर काफी बार अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं और आप लोगों ने उन वीडियोस को देखे भी हैं जहां पे हमने बताया था कैसे इस पेमेंट प्लेटफॉर्म से, इस पेमेंट प्लेटफॉर्म से, इस लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। लेकिन आज जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग लोन लेने के ऊपर बात करने वाले हैं, यहाँ पे आपको अप टू 2 लाख रुपीज तक का लोन मिल सकता है, अप टू बोला है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी केवाईसी डिटेल्स के आधार पे, आपके पैन कार्ड डिटेल्स के आधार पे, आपके वेरिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। और इस लोन को लेने के लिए आप में से ज्यादातर लोगों को ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। अगर उस एप्लीकेशन को आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो तो उनके लिए लोन लेना काफी ज्यादा आसान है। हाँ, दिक्कत उनके केस में हो सकती है, दिक्कत तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपके कह सकते हैं ट्रांजेक्शन और बाकी सारी चीजों को फेच करने में, लेकिन नहीं वहां पे ऑप्शन मिलता है, तो एक बार ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर से कर लेना और लोन आपको मिल सकता है और ज्यादातर लोगों को लोन मिल सकता है। लेकिन ये कोई पर्टिकुलरली लोन एप्लीकेशन नहीं होने वाली है, ये एक अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम बाकी के पेमेंट प्लेटफॉर्म की तरह रोजाना इस्तेमाल करते हैं, इवन आज भी करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और सबसे पहले हम उस पेमेंट प्लेटफॉर्म जहां से आप लोन लेने वाले हैं उसका नाम क्या है, कैसे लोन अप्लाई करेंगे वहां से, और फिर उस एप्लीकेशन को जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मन बना लेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को भी इस्तेमाल करेंगे और हमें भी यहाँ से लोन चाहिए, तो कैसे उस एप्लीकेशन के बारे में, स्पेशली लोन सेगमेंट के बारे में बात करके उस एप्लीकेशन को आप लोग अपने फोन में कैसे ले पाओगे, इसके बारे में भी बात जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हो आपके सामने खुल चुकी है। एप्लीकेशन के ओपन होने के साथ ही सबसे पहले देना है 10 डिजिट मोबाइल नंबर, कंटिन्यू पे करना है क्लिक, तो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करके जिसका ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे साइन अप नहीं है तो वो प्लीज कंप्लीट कर लेना और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने आपका जो भी ये जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बैलेंस वगैरह शो कर जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, और जिन्होंने यूज नहीं किया हुआ उनके केस में तो खैर बात ही क्या करनी। तो सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा जिप ईएमआई का, वो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। जब आप इस एप्लीकेशन पे होम पेज पे आओगे तो जिप ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आई अग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस जैसे करेंगे तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे जम जाएंगे, तो सबसे पहला ही चीज मेरे को लगता है कि पहले हमारी बेसिक डिटेल्स जहां तक मुझे लगता है कि ली जाएगी, जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर जो भी ऑप्शन, जैसे मेरे सामने पहले मेरी सेल्फी की ऑप्शन आई थी तो मैं टेक अ सेल्फी पे ही जाऊंगा, अपनी सुंदर सी सेल्फी देकर एग्री करके आगे बढ़ूंगा। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हो चुका है, ठीक है। बट हाँ, आप लोग अपना पूरा नाम, जैसे कि जो फुल नेम है आपका, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड के आधार पर डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड नंबर, ये सब जरूर दे देना। इनके ही आधार पे आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सेल्फी वाली चीज जो मुझे लगता है आपको बाद में देखने को मिलेगी, शायद मैं वो इमेज नहीं ले पाया हूँ या किसी रीजन की वजह से। इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है कि आप नौकरी पेशा है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, फादर्स नेम बताना है, ईमेल आईडी बतानी है और मंथली इनकम बतानी है। ये बताने के साथ ही आपको आगे कंप्लीट करना है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में आप देखोगे प्रोफेशन टाइप, फादर नेम, ईमेल आईडी आ गया, सैलरीड के केस में आता कंपनी नेम और मंथली इनकम वगैरह, ये सब कितनी है, ठीक है। तो आपको डिटेल्स फिल कर देनी है और डिटेल्स फिल करने के बाद मंथली इनकम वगैरह चूज करने के बाद आपकी क्रेडिट स्कोर को फेच करना शुरू कर देगा। उसके आधार पे आपको फाइनली बता दिया जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन दिया जाता है या आपका जो यू हैव अनलॉक कितने रुपए का जिप ईएमआई जो है अनलॉक है, और यहाँ क्रेडिट स्कोर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, लैंडिंग पार्टनर सब शो कर जाएगा। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे आपको जाना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका बैंक वेरिफिकेशन किया जाएगा, दो तरीके से कर सकते हो। सबसे फास्ट मेथड से करना है तो आपको अपने जेब से 1 रुपए डालने पड़ेंगे, यानी कि यूपीआई से जो है 1 रुपए डाल के वेरीफाई करना, और टेंशन मतलब 24 घंटे के अंदर ये 1 रुपया भी वापस आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका, इसमें लगता है कि नहीं भाई मुझे तो जेब से पैसे नहीं देने, तो वेरीफाई विद बैंक अकाउंट भी आ सकते हो। इसमें ये सामने वाली पार्टी आपके 2 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके वेरीफाई करेगा। तो दोनों ही तरीके इजी हैं, पैसा कहीं भी नहीं आ रहा, तो मैं वेरीफाई विद यूपीआई पे जाऊंगा। आपके जिस ऑप्शन से करना हो आप उस ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके बाद आपका जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे, आपका जो है ई मैंडेट अप्रूवल जो है कंप्लीट करना होगा। ट्रांजेक्शन स्टेटस मेरे को लगता है दिख जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, मुझे जहां तक लगता है कि ट्रांजेक्शन स्टेटस आ चुका है, ठीक है, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा पर्सनल डिटेल्स हो गया, ऑफर चूज कर लिया, बैंक वेरिफिकेशन हो गया, अब लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में कंप्लीट करना है। तो हम पैसे जाएंगे और वहां पे हमें जिप ईएमआई पे जाके, अगेन जाके जितने हमारा लोन लिमिट हमें मिली होगी उसमें से हम जो है लोन ले सकते हैं। तो सिंपली विड्रॉ टू बैंक में जाकर हमें जो भी अमाउंट जितने रुपए का हमें अवेलेबल है हमारे लिए, उतना हमें जितने जितने टाइम लाइन के लिए चूज करना है वो टाइम लाइन चूज करके सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ेंगे। और टोटल सब कुछ दिख जाएगा कि पहले मेरी ईएमआई कब जाएगी, लास्ट ईएमआई कब जाएगी, अमाउंट हर बार ईएमआई की कितना बनेगी, कितने महीने के लिए लोन मिलेगा, किस ब्याज पे,
डिसबर्स टू बैंक, फिर ईएमआई प्रोसेस सब कुछ दिख जाएगा। तो गॉट इट पे करेंगे क्लिक और सिंपली हमें अपने पैसा सेंड करना है। वैसे तो आपने पूरा प्रोसेस देख लिया इस एप्लीकेशन से लोन लेने का, लेकिन अगर कुछ चीजें अगर आपको समझ में ना आ पाई हो या मैं अपने हिसाब से सही तरीके से इमेज अगर आपको प्रेजेंट नहीं कर पाया हूं तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा एंड कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसी मिस्टेक्स कभी ना हो। लेकिन हाँ, एक वीडियो एजुकेशन पर्पज के तौर पर था जहां पर मुझे बस ये समझाना था कि भैया यहां से तो लोन मिल ही जाएगा। बाकी जहां तक बात करते हैं, ये अप्लाई लोन को हमने कर तो लिया है, लेकिन ये एप्लीकेशन बहुत लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे और जो इस एप्लीकेशन से स्पेशली जिप ईएमआई लेटर्स वाले ऑप्शन का यूज करके लोन लेना चाहते हैं उनके किसी बता दें तो बता बात करें तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वीडियो में बताए जाने वाले प्रोसेस आपको समझ में आए या नहीं। और जहां तक बात करते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी की, तो जैसे इसी वीडियो के जो टाइटल पे क्लिक करोगे, जैसे इस फोन में अपनी वीडियो को देख रहे हो, टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। हालांकि जैसे डेस्कटॉप वगैरह पे तो अलग सिस्टम है, लेकिन फोन में ना टाइटल पे ही क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा तो वेबसाइट लिंक मिलेगी, सबसे पहले आपको उस पर जाना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे तो loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाओगे, जहां पे तमाम तरीके की कॉन्टेंट की लिस्ट मिलेगी। अब कॉन्टेंट की लिस्ट होगी क्यों ना ज्यादा, क्योंकि आज की डेट में शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी लोन दे रहा है, पेमेंट प्लेटफॉर्म भी लोन दे रहा है, बैंक भी लोन दे रहा है, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स भी लोन दे रहे हैं, प्राइवेट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी लोन दे रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म्स तो काफी सारे हैं। हमें जाना है सर्च पे जिस प्लेटफॉर्म यानी जिस पेमेंट प्लेटफॉर्म से हमने लोन लिया उसका नाम है मोबीक्विक, और हमने आ गए। और यहाँ पे सिर्फ इसी बारे में बात होगा कि मोबीक्विक ऐप से लोन लेते कैसे हैं। हालांकि ये सारी जानकारी हम कंटेंट वाइज दे चुके हैं आपको आर्टिकल में, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भी मिल जाएगा। मोबीक्विक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने के लिए आपके पास विजिट का लिंक मिलेगा इसी एप्लीकेशन आर्टिकल के अंदर। विजिट के लिंक पे क्लिक करके सीधा ये जो लिंक है ये प्ले स्टोर पे जाएगा, और प्ले स्टोर पे आकर डायरेक्टली वहीं पे उस मोबीक्विक के मेन होम पेज पे चल जाओगे प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन वाले सेगमेंट पे, और वहां पे आके मोबीक्विक ऐप को इंस्टॉल कर लेना। बाकी अगर इस एप्लीकेशन में जानना है कि कितने रुपए का मैक्सिमम लोन मिलेगा, कितने टाइमलाइन के लिए, किस इंटरेस्ट रेट पे और बाकी सारी चीजें, तो यहाँ पे कंटेंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आर्टिकल को आप लोग पूरा पढ़ सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर देना ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। तो यही था लोन लेने का पूरा सेगमेंट, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आई हो। लेकिन अगर कोई सी भी, मैं तो अगेन कहता हूँ, कोई सी भी कंफ्यूजन है ना, तो प्लीज कॉमेंट्स में बिंदास पूछो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा।